सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं और ये रही आईटीआई जो कि थोड़ा ना जंगल के पास ही है। हे गाइस वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और अभी हम रेडी हो चुके हैं। मोहित का पेपर है आईटीआई का, वहां जा रहे हैं हम। चलो चलें गाइस। चलो भाई चलो। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं और ये रही आईटीआई जो कि थोड़ा ना जंगल के पास ही है। ये देखिए गाइस ये आईटीआई, ये वाली अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं मोहित को छोड़ने नीचे आईटीआई के पास। नहीं चलो देखते हैं यार आईटीआई में क्या, पता कर लेते हैं टीचर के साथ। चलो यार चलो, पता तो कर लो, पता कर लो। आए यार बच्चे, देखो बच्चे भी आए हैं तो पता करना चाहिए। चलो पहले पता करते हैं थोड़ा बहुत। तो गाइस अभी हम दूसरी साइड आए हैं, यहाँ पे बैठे हैं। तो अभी मैं जस्ट गए थे हम आईटीआई के पास, तो मैं थोड़ा शूट कर रहा था। तो टीचर वगैरह ना मेरे से आर्गुमेंट लग गए करने कि आप यहाँ का शूट नहीं कर सकते। खैर आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वही तो आप जाओ पेपर दो, हम चाय वगैरह पीते हैं। चलिए चाय पीते हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड क्योंकि ये जो पेपर है ना इसके होने, इसका पेपर होगा यहाँ पे इस आईटीआई के पास। तो अभी हम खड क्रॉस करने वाले हैं भाई। धीरे धीरे भाई धीरे। खड है वो बड़ी खड थोड़ी है। यार चश्मा कैसे लगाया तूने? ये लेटेस्ट फैशन है मोहित भाई। तो मैंने टीचर से बात कर ली है, यहाँ पे कोई हेल्प नहीं की जाएगी आपकी। कोई नहीं से अपना पुतका जड़ा अंदर होना। अभी मोहित को धक धक लग चुकी है, इसको ना धक धक लगी है, पढ़ा नहीं है रात का। रात को पढ़ना का है आपको, बारी हो सॉन्ग चलाने से। इतना पढ़ रहा है ठीक है भाई, दे दो फोन। ओके बाय। तो गाइज मोहित को छोड़ दिया हमने आईटीआई के पास पेपर देने। इसका पेपर होगा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, उसके बाद हम जाएंगे। अब सर बात कर रहे थे। तो फाइनली गाइज मोहित का पेपर हो चुका है और अभी हम रुके यहाँ पे बस का इंतजार कर रहे हैं। और अभी हम ना रुके यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है ज्योति उठसिद्ध, वहाँ में जाएंगे माथा टेकने के लिए। धूप है बहुत भाई। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं मंदिर के गेट के पास। तो यहाँ से रास्ता, सो गाइस अभी हमने प्रसाद ले चुके हैं। अभी वहां जाना, यहाँ से होके जाएंगे वहां पे। यहाँ पे ना महिलाओं के लिए जो गुफा है एक बाबा जी की, वहाँ पे मना है। हाँ आप एक चबूतरा बना वहाँ पे ना, वहाँ पे वहाँ से खड़े होकर आप दर्शन कर सकते हो बाबा जी की। जी गाइस तो मैं अभी यहाँ पर बैठने वाला हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ, थक चुके हैं बहुत। तो ऐसा करें कि गेट नंबर 3 आ गया, इसके बाद मैं बैठूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि मंदिर कितने की दूर है। बैठ गए हैं क्योंकि भाई थोड़ा बहुत सकते 500 मीटर का रास्ता होना मतलब चढ़ाई चढ़ने के लिए यहाँ पे। शाम के वक्त ना 4 बज चुके हैं और ज़्यादा भीड़ नहीं यहाँ पे। वैसे जब मेले होते हैं ना यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उठो गाय चलो उठो, उठ मिंद्र उठ चलो यहाँ से होकर जाना। तो ये गया रास्ता यहाँ पे, पता क्या जो गुफा थी ना यहाँ पे बाबा जी की गुफा थी। हाँ। तो यहाँ पे बाबा जी मतलब कुछ हुआ था, सिद्धि प्राप्त की थी बाबा जी ने, वही फेमस है ज़्यादा। और यहाँ पे ना लोगों के घर दिख रहे होने आपको ये वाले। यार वो भी किया कुछ यहाँ पे ना ऊपर है गुफा, तो यहाँ पे जाएंगे माथा टेकने के लिए। तो फाइनली गाइस माथा टेकने के बाद अब हम यहाँ पे खड़े हैं। ऊपर ना गुफा के अंदर फोटो क्लिक करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हमें माथा टेका। अब यहाँ से कर रहे हैं हम दोबारा स्टार्ट।
तो ये जो ऊपर रास्ता गए लोग जा रहे हैं, यहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे करते हैं दर्शन। ये रही यहाँ पे ऊपर गुफा। चलो गाइस चलते हैं ऊपर और एक और मंदिर बता रहे थे यहाँ पे, उसके दर्शन करते हैं। तो लोग काफी मात्रा में आए हुए यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों का मुंडन किया जाता है भाई। तो गाइस ये राम मंदिर के आसपास का बाजार। तो गाइस यहाँ से देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये रास्ता है बाहर जाने का, कुछ अजीब सा रास्ता है। माथा टेक चुके हैं और अभी हम जाएंगे घर। तो हमारा छोटा सा ब्लॉग रहेगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू गाइस। चले हम घर को, थक गया मैं बहुत। ठीक है, बाय बाय। बटसर में रे बिजड़ी बद्दी बिजड़ बिजड़ ओए इंद्र। शराब भी पूरा हुआ, शराब भी। और यहाँ पे ना सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। हेलो, अगर कोई मुझे देख रहा है तो भाई देखो।